हमारे एक फॉलोअर भी मिले हैं भैया, क्या नाम आपका? ये जो बाइक आप यहाँ पर देख रहे हो MT15, मेरा जो मेन चैनल है ना क्लासिक गियर्स, उसमें इस बाइक का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। देखते हो लोग, ऐसी ले लो ना, साथ में लेना है क्या? ले लो ना। 3, 2, 1 कर रखा है चैनल सब्सक्राइब की नहीं कर? हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत टाइम बाद मेरे चैनल पर व्लॉग लेकर आ रहा हूँ। थंबनेल टाइटल आपने देख लिया होगा, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, मेरे फ्रेंड की बाइक की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। पिछली आपने वीडियो देखी होगी जिसमें हम Z900 की सेकंड सर्विस करा के आए थे, और उसी दिन ये सेकंड व्लॉग शूट हो रहा है जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था। तो दोस्त की डिलीवरी लेने जाना है, उसने पहले से मुझे बोला था, मेरे कारण डिलीवरी डेट भी एक्सटेंड कर दी। तो चलते हैं, व्लॉग इसलिए बन रहा है कि यार देखो बाइक से तो घूमेंगे प्रॉपर, साथ ही में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होगा। अपने जयेश भाई भी आए हैं साथ में, बिकॉज देखो भाई इंदौर में जॉब करता है, टाइम निकाल के भी कॉल करता है, बट मिल नहीं पाते, तो मैं बोला चलो आ जाओ, एक की डिलीवरी में जाना है, भाई भी रहेगा साथ में, तो प्रॉपर व्लॉग बन जाएगा। ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट करते नहीं, गोप्रो को माउंट करता हूँ, बाकी सारी बातें मोटो व्लॉगिंग सेटअप में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, निकलते हैं घर से। बहुत टाइम बाद ऐसे घर पे इंट्रो लेकर हम निकल रहे हैं। फुटरेस्ट खोल देता हूँ भाई के लिए, पीछे बैठेंगे तो। और कोल्ड स्टार्ट तो मेरे ख्याल से होगी नहीं, बिकॉज मैं अभी आधे घंटे पहले ही घर आया था, बट फिर भी देख लेते हैं बारिश ना आए। यार मौसम तो पूरा है, और अभी सर्विस करा ली है ना, उसके बाद जो स्टार्ट हो रही है ना सेल्फ, एक बार में ले नहीं रही है, क्या पता उसका क्या रीज़न है। बाकी चलते हैं यहाँ से, बारिश तो मुझे लग रही है पक्का आएगी, बट उसके पहले हम डीलरशिप पे पहुँच जाएंगे यामा की, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने सोचा थोड़ा आपके लिए डिफरेंट टाइप का कॉन्टेंट बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा यार, बिकॉज रिएक्शन ड्रैग तो डाल ही रहे, थोड़ा एक एंटरटेनमेंट वाला भी कॉन्टेंट बन जाए। अब जिसे आदत नहीं है ना बैठने की, जैसे कि मेरे पीछे जयेश बैठा हुआ है मेरा फ्रेंड, उसे आदत नहीं ज़्यादा इस पर बैठने की, तो इतना डर रहा है, सोच रहा है यहाँ हाथ रखूँ यहाँ हाथ रखूँ, फिर मुझे पकड़ रहा है। और गाइस देखो कितना रिस्की है, कभी भी ये साड़ी अटक सकती है, साड़ी अटक जाएगी। स्मूथ तो हो गया यार, सर्विस के बाद साउंड अलग ही पता लग रहा है, एक स्मूथनेस आ गई है, बिकॉज अब सेकेंड सर्विस हो गई है। वैसे ही फर्स्ट सर्विस के बाद ही इंजन पूरा फ्री हो जाता है, और वैसे भी यार इतनी ड्रैग मार चुका हूँ इस पे, काहे का इंजन फ्री, प्रॉपर पुल कर चुका हूँ मैं इतनी बार। बाकी गाइस बताओ किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए इस चैनल पर, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था, 1 लाख सब्सक्राइबर करा दोगे ना तो हम कुछ लॉन्ग राइड्स प्लान करेंगे, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी है, वो तभी होगी जब आप सपोर्ट दिखाओगे। मतलब मैं शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों वीडियोज़ इस चैनल पर डाल रहा हूँ, बट क्या है ना गाइज, आप सपोर्ट दिखाओगे ना लॉन्ग वीडियोज़ पे तो और मोटिवेशन मिलेगा। हाँ तो गए, मुझे लग रहा है मैं ही पहले आ गया हूँ, जिसको गाड़ी लेनी है वो ही नहीं पहुँचा है यहाँ, बताओ। तो गाइज जिसकी डिलीवरी लेने आए वो हमें यहाँ पर रुकवा रहा है, बिकॉज जैसा कि मैं बताया था लास्ट वीडियो में हमने सर्विस कराई, मैं 150-160 से घर आया हूँ, और भाई यहाँ पर इतना लेट कर दिया, भाई कौन सी बात हुई है? अरे यार थोड़ा दिल्ली जाके चक्कर में उतरे थे यार। हमारे एक फॉलोअर भी मिले हैं भैया, क्या नाम आपका? बादल जायसवाल। बादल जायसवाल, अपने जयेश भाई तो खड़े ही यहाँ पर, एक गाड़ी बहुत पसंद आई है भाई को, भी अंदर दिखाएंगे। तो भाई अपनी लाइफ की फर्स्ट सेल्फ फंड बाइक ले रहा है, एक्साइटेड हो कि नहीं? बहुत ज़्यादा, रात को नींद तक नहीं आई है मुझे तो। नींद तक नहीं आई है, और मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तहसीन भाई है, यही मेरे चैनल की जितनी आपको रील देखने को मिलती है इस चैनल पे, मतलब अकाउंट पे, तो भाई एडिट करते हैं, चलते हैं अंदर यार, वैसे यहाँ बहुत देर हो गई। जयेश भाई की यहाँ पर ड्रीम बाइक खड़ी है, कहाँ पे? ये कलर पे दिल आ गया है ना, कलर पे दिल आ गया, गाड़ी नहीं धुआं। भाई बोला था एक बार जीवन में गाड़ी ना हो चलेगा, पर ये कलर नहीं होना चाहिए, ऐसा कमेंट दिया था। और यहाँ पर अभी सब्सक्राइबर्स भी मिलते हैं ना, खुद की सिटी में सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, उसका एक अलग ही सीन है। बाकी अंदर बाइक दिख नहीं रही जिसकी डिलीवरी लेने आए, और ये चेकआउट करो, FZ में भी नए कलर्स आ गए। बाकी गाइस एक चीज़ आपको और शेयर करना चाहूँगा, ये जो बाइक आप यहाँ पर देख रहे हो MT15, मेरा जो मेन चैनल है ना क्लासिक गियर्स, उसमें इस बाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मतलब इस बाइक का बहुत रिस्पांस आया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी इससे रिलेटेड है, और इसी बाइक के बदौलत अपनी Z900 आई है, जो कि यूट्यूब मनी की सेल्फ फंड है, आपको पता ही है। जिसकी डिलीवरी है वो खुद यहाँ पर क्या क्या लेने, पायरो लेके आए, पायरो गन यहाँ पर, केक भी भाई खुद ही लेके आए, मतलब यार खुद की बाइक की डिलीवरी है, मेहनत खुद को ही करना पड़ती है। बाकी ये चेक करो भाई का नाम क्या है, देखते हो व्लॉग, आओगे फिर है ना, कमेंट करना यहाँ से। क्या है भाई ये? हाय, ये कौन सा तरीका है? हम ले लो व्लॉग में रील के लिए, देखो यहाँ पर कैश लाया जा रहा है। सो गाइस इसी कैमरे से हमारी रील शूट होती है, पहले नीलेश भाई भी करते थे, बट अभी अंडरग्राउंड थे कहीं पे, जो कि अभी आप देख सकते हो मास्क लगा के बैठे हैं। ये चेकआउट करो गाइस, जल्दी अनवील करने वाले, मैंने भाई को बोला बाहर लेते हैं, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो जगह है नहीं इतनी, और व्लॉग तो दुविधा में ही भाई की शूट करे नहीं करे, वो अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है। एक बार भाई को दे दो, ये अच्छे से कर लेगा, कर लोगे ना?
भाई 2-3 घंटे यहाँ पर वेट करा है, अब फाइनली जा रहे हैं अनवील करने। कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग तो बहुत ज्यादा है। सो गाइस, इन्हीं लोगों के लिए डिलीवरी रुकी हुई थी। भाई क्या पैदल आए कि कार? फोर्स के पीछे गाड़ी है। अरे फोर्स के पीछे। अर्शल भाई क्या हाल है? चलो भाई कपड़ा उठाओ, जाके जाओ तो यहाँ पर ट्रायल लेते हो। भाई ट्रायल लेना है क्या दो बार? फाइनल 3-2-1। कलर कैसा लगा भाई? काफी बढ़िया। ये चेकआउट करो। पहचान ही नहीं किन को? आवाज सुनी तब पहचान में भैया। कौन सी भैया? ना ये सही बोला। क्या बोला भाई? बाकी सब तो हो गया गाइस। अब केक खाना है भाई, कौन से फ्लेवर का लेके आए? खुद का नाम लिखना था, आरुण भाई लिख दे, कोई बात नहीं। लो भाई तो अरे मतलब मैं बोल रहा था वीडियो ऑन करूं फिर देना। तो गाइस भाई ने R15 तो लिए, बट सबसे यूनिक कलर लिया, बिकॉज पर्सनली मुझे R15 में दो ही कलर अच्छे लगते हैं, एक तो व्हाइट और ऑरेंज वाला, दूसरा रेड, जो कि लास्ट ईयर फ्रेंड ने लिया था। तो कैसे क्या भाई कलर की चॉइस बनी? बस आपने बोला था, शिवराज भाई ने बोला था, इसलिए मैंने व्हाइट। बिकॉज मेनली भाई भी चैनल खोलने वाला है, और मेनली आप इंस्टाग्राम पे देखोगे ना बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, मतलब प्रोफाइल चेकआउट करो, व्हाइट कलर में नेक्स्ट लेवल फील आता है ये, आप चेकआउट करो, मतलब पूरा प्लेन व्हाइट है ना, और ऑरेंज व्हील्स के कारण अलग ही अट्रैक्टिव लगती है। बाकी भाई यहाँ से पहला स्टार्ट कर दो, अब ये चेक करो, स्टॉक ही रहने वाली गाड़ी करेगा आगे फ्यूचर में। क्या बता रहे हो भैया? एक्सेलरेंट फाइनेंस कर रहा है। ठीक ठीक, देवास से जो भी देख रहे हैं यामा शोरूम आओ, भैया से मिलो, मिनिमम डाउन पेमेंट मैक्सिमम लोन। इसलिए बोला था मैंने आगे आके फोड़ो, और इधर से ही फोड़ना था। ये चेक करो गाइस अपनी जीनो, सो आज यामा के लाइनअप पे खड़ी है, और बहुत सारे लोग जो गाड़ी देखने आ रहे थे ना, वो ये गाड़ी को देख के समझ ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज हमारे सिटी में वैसे भी बहुत कम लोगों को नॉलेज जैसे बाइक्स वगैरह का। ये क्या सीन हो गया? वो एकदम गैंगस्टर उतरते वाली वाइब्स थी। जस्ट महिंद्रा थिंग्स चेक करो गाइस, ये सब बाहर आ गए, यहाँ पे चेक करो। सो गाइस निकलते हैं, इस पर भी अपने मेन चैनल पर कंटेंट लेकर आएंगे, बिकॉज व्हाइट है ना तो अलग हटके यहाँ पर दिख रही है। बाकी अपनी जी नोसो का भी कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज वैसे ही लेट हो गया हूँ। टाइम आप देख लो 6:23 हो गए। ऑलराइट गाइस, डिलीवरी तो यहाँ पर ले ली, अब थोड़े आपको रिएक्शंस दिखा के वीडियो को एंड करता हूँ। टाइम मुझे सेट करना पड़ेगा, ऐसे ही ले लो ना, साथ में लेना है क्या? ले लो ना, कर रखा है चैनल सब्सक्राइब की नहीं कर रखा है तो बोलो ना यार। आओगे व्लॉग में, व्लॉग ही शूट कर रहा हूँ। हाँ ये रिएक्शन चेकआउट करो यार, मतलब रिएक्शन व्लॉग बहुत टाइम हो गया आपके लिए शूट करा नहीं, जब भी निकलो ना इतने प्यारे रिएक्शन मिलते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है पता है? जो अपने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना, इसलिए मैं क्रॉस चेक कर ही लेता हूँ पूछ के कि भाई सब्सक्राइब कर रखा है क्या, फिर जब सामने वाला बोलता है हाँ तो एक अलग ही खुशी होती है। ऑलराइट गाइस, यार आज के व्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, कैसा लगा कॉन्टेंट कॉमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो के थ्रू चैनल पर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।